प्यारे दोस्तों, भाई और बहनों, वेलकम वेलकम टू आवर क्लास डेली करंट अफेयर्स, मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स फॉर 25 नवंबर 2021। तो आज फिर से आपके दोस्त हाजिर है 25 नवंबर का मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स लेकर, जो मैं कहता हूँ कि ये मोस्टली एग्ज़ाम ओरिएंटेड। ओके, डोंट फॉरगेट दिस, मोस्टली एग्जाम ओरिएंटेड दोस्तों, मोस्टली एग्जाम ओरिएंटेड। इट यू विल लव इट। सी ऑल द टाइम्स द फॉलोअर्स ऑन डेली बेसिस, सो दैट यू विल बी गेनिंग मच मोर नॉलेज ऑन करंट अफेयर्स। एंड हेयर आई शुड से दैट यू ट्रीट दिस करंट अफेयर्स एज अ जीएस सब्जेक्ट, सो दैट यू डोंट मिस ए मार्क्स इन जीएस सब्जेक्ट। ओके, करंट अफेयर्स सब्जेक्ट, सॉरी, बिकॉज 0.01 मार्क्स ऑल्सो मेक्स अ डिफरेंस। 0.1 mark also makes a difference. Also makes a difference. मतलब क्या है? मतलब ये है कि एक मार्क से सिलेक्शन और अनसिलेक्शन हो सकता है। 0.1 mark से सिलेक्शन और नॉन सिलेक्शन हो सकता है। जैसे कि अगर आपको करंट अफेयर्स में एक मार्क भी मिला, ओके, अगर एक मार्क भी मिला आपको, तो एक मार्क इसके कितना गुना होता है? देखिए, इसके 10 गुना होता है तभी ये एक मार्क बनता है। तो करंट अफेयर्स में अगर सपोज मान लीजिए एक मार्क एक्स्ट्रा मिल गया, तो पता नहीं आप कितने लड़कों के ऊपर रहेंगे, मतलब कितने कैंडिडेट के ऊपर। सो अंडरस्टैंड द सीरियस अबाउट करंट अफेयर्स, डोंट मेक इट ए फनी जोक्स। ओके, बिकॉज हम लोग सभी का यही मतलब कंसेप्शन रहता है कि करंट अफेयर्स ठीक है, वो तो डेली देख रहा है, हो जाएगा, एग्ज़ाम से पहले एक दिन पढ़ लेंगे तो हो जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पर कहूँगा कि आप डेली बेसिस में करंट अफेयर्स को रेडी कीजिए। ओके, डेली बेसिस पे, और मंथ एंड में जाके एक बार उसको जस्ट रिवीजन कीजिए। ओके, मंथ एंड में, मंथ एंड और बिफोर एग्ज़ाम एक बार रिवीजन दीजिए। देखिए आप कितना फ्री हो जाएंगे, एक बार पढ़ रहे हैं, दो बार पढ़ रहे हैं आप, तीसरा बार पढ़ रहा है एक ही करंट अफेयर्स को, तो आप भूलेंगे क्या? नहीं भूलेंगे। आप तीन बार दौड़ाया एक चीज़ को तो भूलते हैं क्या? आप नहीं भूलते। इसीलिए जो थ्री टाइम्स जो ओथ लेते हैं, थ्री टाइम्स लेते हैं लोग, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, 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 करेंगे। ओके, विल डू इट, विल डू इट, विल डू इट, ये तीन, ये थ्री टाइम्स जो ओथ है, प्रॉमिस है, इसलिए तीन बार कहा जाता है कि तीन बार बोलो आप। ओके, थ्री टाइम्स प्रॉमिस इज यूज टू से लाइक दैट, जिससे कि वो ना भूले कि वो करने वाला है, वो करेंगे। ओके, और दुष्कर्म जो है वो नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, मतलब उस दुष्कर्म से वो एब्सटेन रहेगा, वो नहीं करेगा वो। तो ये तीन बार आपने अगर रिपीट किया है, अगर तीन बार आपने दौड़ाया है ये एक चीज़ को, तो आप नहीं भूलते हैं। ओके, तो आप नहीं भूलते, तो करंट अफेयर्स में आपको जो मार्क्स है वो कभी घटेगा नहीं। और मैं जो डिस्कशन करता हूँ, करीब करीब 20 के आसपास होगा वो, करीब करीब 20 के आसपास होगा। तो 30 दिन में देखो 600 बन जाता है, और एक साल का बनता है 7200। ओके, तो ये करीब करीब साल का जो मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन है वो इसमें हम कवर कर रहे हैं, जिससे कि आपका एग्जाम में करंट अफेयर्स में मार्क्स कम ना हो। ओके, जिससे आपका करंट अफेयर्स में मार्क्स कम ना हो। तो ये तो हमारा डेली का डिस्कशन के मैटर रहता है, कैन डू इट, आई डू इट, ये आप इसको मंत्र की तरह लीजिए। बिकॉज फेसबुक, व्हाट्सएप, सभी जो बड़े बड़े मोटिवेटर आप लोग देखते हो, सोनू सर, फिर संदीप माहेश्वरी सर, फिर और भी कई लोग हैं, आरजे कार्तिक सर, ये सभी कह रहे हैं कि भाई अपने आप को बिलीव करना सीखो यार। ये चीज़ मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि ये अपने आप को बिलीव करने का है, मैं कर सकता हूँ, मैं करूँगा, मैं कर सकता हूँ, मैं करूँगा, मैं कर सकता हूँ, मैं करूँगा, ये चीज़ है, ये आई कैन डू इट, आई डू इट, इसका महत्व ये है, हिंदी में इसका महत्व ये है। और उसके साथ हमको क्या रखना है कि डेडिकेशन, कंसेंट्रेशन, एंड पेशेंस। सचिन सर और पीटूषा मैम से मैंने सीखा है कि पेशेंस क्या होते हैं। 12 घंटा सचिन सर प्रैक्टिस करते थे, बालू में भागती थी पीटूषा मैम सैंड पे समर सीजन में, समर सीजन में दो पैर में। तो बताइए अगर कोई सैंड में भागने वाले हैं तो कितना दम रखती होगी,
कितना दम रखते होगे। ये है पेशेंस, ये है डेडिकेशन, ये है कंसंट्रेशन, कि वो उसमें खोए हुए हैं, उसको पता नहीं है कि बालू इतना गर्म हो गया है। कहने का मतलब, सचिन सर को पता नहीं है कि दोपहर के धूप इतना चढ़ चुका है, लेकिन उसके पसीना बह रहे। शायद वो वीडियो कोई होता तो शायद वो वीडियो मैं सलाम करता उसको। ओके, चलिए, ये सारा डिस्कशन तो चलता रहेगा, हमारे आगे अगले कार्यक्रम देखते हैं। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द एशियन डेवलपमेंट बैंक डीवी हैज साइंड एन एमओयू, साइंड ए डील या तो $300 million लोन टू स्ट्रेंथन एंड इम्प्रूव द एक्सेस टू कंप्रीहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर। तो कोविड 19 के चलते हुए गवर्नमेंट इंडिया क्या किया है, एक डील किया है एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ, जिसमें $300 million का डील है और 13 स्टेट्स में ये लागू होंगे बेनिफिट। 256 million अर्बन डूलर्स इंक्लूडिंग 51 million स्लम। ओके, द प्रोग्राम सपोर्ट्स द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की हेल्थ केयर इनिशिएटिव बाय द एक्सपेंडिंग अवेलेबिलिटी एंड एक्सेस टू क्वालिटी प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज पर्टिकुलरली फॉर वल्नरेबल पॉपुलेशन इन द अर्बन एरियाज, इन द अर्बन एरियाज। ये स्लम जो है ये वल्नरेबल पीपल ही है। ओके, स्लम में जो लोग, इसलिए कह रहे हैं कि वल्नरेबल पीपल, जो लोग मतलब संक्रमण से ज़्यादा जुड़े हुए रहते हैं, ये कहने का मतलब यही है, तो उनके हेल्थ केयर को सपोर्ट देने के लिए। इट सपोर्ट्स इनिशिएटिव लाइक आयुष्मान भारत हेल्थ जो कि ना जो 2018 में चालू किया गया था, जो 2018 में चालू किया गया था, एंड वेलनेस सेंटर, ये भी HWC एंड प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना, विच ने हैज़ बीन रिनेम्ड एज प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन PMAVHIM। तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, $300 million में बहुत लोगों की हेल्प हो सकती है। ये हेल्प के लिए इसको बहुत सुविधा होगा, प्राइमरी हेल्थ केयर को जगाने के लिए बहुत बड़ी एक रकम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से और एशियन डेवलपमेंट बैंक की तरफ से। ओके, जो प्राइमरी हेल्थ केयर को सपोर्ट करेंगे, जहाँ पर मेन होगा प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना, ओके, और आयुष्मान भारत, दो चीज़ मुख्य विषय होंगे। ओके, SpaceX इज प्लानिंग टू कंडक्ट ह्यूमैनिटीज फर्स्ट प्लानिटरी डिफेंस टेस्ट इन विच इट विल रिडायरेक्ट एन एस्ट्रोइड थ्रू नासा'स डबल रिडायरेक्शन टेस्ट डार्ट मिशन दैट विल इंटेंशनली क्रैश ए स्पेसक्राफ्ट इनटू ए into an asteroid to see if it is an effective way to change its course। मतलब हम लोग कई बार सुनते हैं ना, ये एस्ट्रॉयड हमारे धरती के ऊपर ये बहुत स्पीड से भाग के आ रहे हैं। ओके, तो ऐसे अगर कई बात हो गया तो उसको ख़त्म करने के लिए ही कहा जा रहा है ह्यूमैनिटीज फर्स्ट प्लानिटरी डिफेंस टेस्ट। मतलब प्लानिटरी डिफेंस टेस्ट मतलब हमारे धरती को, जो प्लानट है अर्थ प्लानट, उसको रक्षा करने के लिए ये लॉन्च किया जा रहा है, ये लॉन्च किया जा रहा है, जिसमें उसको बीच में ही ख़त्म कर देगा। ऐसे अगर कोई चीज़ आने वाला होगा, एस्टेरॉयड आने वाला होगा, तो उसको बीच में ही ख़त्म कर देगा। ये है इसका मेन मुद्दा। ओके, तो डार्ट का जो है, डार्ट का फुल फॉर्म क्या है, डार्ट डबल एस्टेरॉयड रीडायरेक्ट टेस्ट और फर्स्ट प्लानिटरी डिफेंस टेस्ट, जो कि SpaceX प्लानिंग कर रहा है नासा के हेल्प के माध्यम से। क्योंकि ना एस्ट्रोइड अगर आ रहे होंगे धरती की ओर भाग के, धरती को, जैसे हम कई बार न्यूज़ में मिलते हैं कि धरती की ओर भाग के आ रही, तो उसको ख़त्म करेगा बीच में। पाकिस्तान हैज़ फॉर्मली इन्फॉर्म्ड इंडिया अबाउट इट्स डिसीजन टू अलाउ द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एन इंडियन ह्यूमैनिटेरियन शिपमेंट ऑफ 50,000 मेट्रिक टन ऑफ टन्स ऑफ व्हीट एंड लाइफ सेविंग ड्रग्स टू नेबरिंग अफगानिस्तान थ्रू इट्स टेरिटरी ऑन एन एक्सेप्शनल बेसिस फॉर ह्यूमैनिटेरियन प्रोसेस। ओके, तो ह्यूमैनिटेरियन प्रोसेस को देखते हुए पाकिस्तान गवर्नमेंट ने अलाउ किया है कि जिसमें कि 50,000 टन्स ऑफ व्हीट शिपमेंट किया जाएगा, मतलब भेजा जाएगा इंडिया से, और साथ में लाइफ सेविंग ड्रग्स मतलब मेडिसिन। ओके, लाइफ सेविंग मेडिसिन भी भेजा जाएगा ऑन एन एक्सेप्शनल बेसिस फॉर ह्यूमैनिटेरियन प्रोसेस। आपको, आप लोग देख रहे होंगे कि ये अफगानिस्तान में अभी क्या कंडीशन है, तो उसको देखते हुए लास्ट महीने में ही
ये इंडियन गवर्नमेंट ने अप्रोच किया था पाकिस्तान गवर्नमेंट को कि हमारे कुछ शिपमेंट है जाने वाला अफगानिस्तान में, आप लोग अगर ये हेल्प करेंगे तो हम इसको भेज सकते हैं, ओके, आप लोग अगर हेल्प करेंगे तो हम इसको भेजना चाहेंगे। तो उसी के बेसिस पे पाकिस्तान गवर्नमेंट ने अप्रूवल दी। विद द थीम स्ट्रेंथनिंग मल्टीलैटरलिज्म फॉर शेयर्ड ग्रोथ, ये है उसका थीम है। 25th एनिवर्सरी दी 13th ASEAN समिट विल बी हेल्ड वर्चुअली नवंबर 25, 26, 2021, मतलब आज और कल, टुडे एंड टुमारो। वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू विल लीड द इंडियन डेलीगेशन फॉर समिट एंड द पार्टिसिपेशन फ्रॉम ऑल 15 मेंबर कंट्रीज ऑफ एशिया इन यूरोपियन यूनियन। तो शेयर यूरोपियन यूनियन जो 51 जो मेंबर स्टेट्स है वो लोग सभी, पर चलो ऐसे कि वर्चुअली तो सभी घर ऑफिस में बैठ के ही अटेंड करना है तो क्या प्रॉब्लम है, ओके, ऑफिस में बैठ के अटेंड करना है। वर्चुअल समिट का मतलब यही है, मतलब ऑफिस में बैठ के या घर में बैठ के जहाँ पर जिसके सुविधा होगा, जिसको जो फैसिलिटी दिया जाएगा, मतलब कैम्बोडिया, इसमें कैम्बोडिया है होस्टिंग नेशंस, ओके, कैम्बोडिया इज होस्टिंग 13th समिट ऑफ एशियन एज चेयर, ओके। ये चेयर मतलब क्या है, ये प्रेसिडेंसी में है अभी फिलहाल, मतलब ये चेयर करेंगे। एशिया यूरोप मीटिंग एसएम इज एन एशिया यूरोपियन पोलिटिकल डायलॉग एंड फोरम कंप्राइजिंग कंट्रीज, ये कंट्रीज के सारे नाम दिए हुए। तो हमने देखा 51 मेंबर्स कंट्री है ये एशियन समिट में, और 13th एशियन समिट ये आज मतलब इस साल होने वाला है, ओके, आज और कल होंगे, और कम्बोडिया इसमें चेयर करेंगे, ओके। ये और इसका जो ग्रोथ ये थीम है वो है स्ट्रेंथनिंग मल्टीलैटरलिज्म फॉर शेयर्ड ग्रोथ। शेयर्ड ग्रोथ मीन्स कि एक दूसरे के काम में आए, कि एक दूसरे के काम में आए, ओके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ये इशू है। एशियन चेयर एक वर्चुअली मीटिंग होने वाला है जहाँ पर लोगों ने अपने अपने आइडिया शेयर करेंगे, ओके, जो है एशिया और यूरोप का एक मंच। 5th वर्ल्ड कांग्रेस ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट WCDM 2021 इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इन न्यू दिल्ली बाय IIT दिल्ली फ्रॉम 24 टू 27 नवंबर 2020। डिलीबरेट ऑन 3 क्रिटिकल इश्यूज दैट पोज द सीरियस चैलेंजेस एज वेल एज होल्ड द पॉसिबल प्रॉमिसेस ऑफ बिल्डिंग रेसिलियंस टू डिजास्टर। दीज आर टेक्नोलॉजी, फाइनेंस एंड कैपेसिटी। जो 3 कोर इशू, क्रिटिकल इशू के बारे में बात कर रहे हैं वो है ये टेक्नोलॉजी, फाइनेंस एंड कैपेसिटी। तो फर्स्ट बिंग इन 2008 इन हैदराबाद, 2008 हैदराबाद में हुआ था। WCDM हैज इमर्ज्ड एज द लार्जेस्ट ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट आउटसाइड UN सिस्टम। तब UN के बाद डिजास्टर मैनेजमेंट में सेकंड पोजीशन में कौन है, सेकंड पोजीशन में है WCDM। WCDM जर्मनी हैज अनाउंस्ड इट्स न्यू डेवलपमेंट कमिटमेंट टू द ट्यून ऑफ मोर देन यूरो 1.2 मिलियन डॉलर, अप्रॉक्सीमेटली 10,025 करोड़ रुपीज, टू एड इंडियाज फाइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज एंड फॉर कोऑपरेशन ऑन क्लीन एनर्जी। देखिए क्लीन एनर्जी और क्लाइमेट चेंज ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ओके, ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो जैसे कि क्लाइमेट चेंज के बारे में बात करते हैं तो अगर ये हम क्लीन एनर्जी के बारे में बात करें तो ऑटोमेटिक जो क्लाइमेट चेंज के बात तो भी आ जाता है, ओके। क्लीन एनर्जी बोलेगा तो जो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं छोड़ते हैं पर्यावरण में, ओके। दिस सिस्टम व्हिच डज नॉट एलो और प्रोड्यूस और गिव्स आउट बाय प्रोडक्ट एज कार्बन डाइऑक्साइड, ओके, कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोडक्शन नहीं करवाने देते हैं, वो है क्लीन एनर्जी। इसको क्लीन एनर्जी का मतलब है ये, ओके। तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं छोड़ेगा पर्यावरण में तो ऑटोमेटिकली क्लाइमेट चेंज के ऊपर जो प्रभाव जो गलत पर रहे थे, ओके, जो बैड इम्पैक्ट पड़ रहे थे, जैसे टेम्परेचर बढ़ने जा रहे हैं, ओके, 1-2 डिग्री सेंटीग्रेड करके और अगले कुछ सालों में और ज़्यादा बढ़ने वाला, इसीलिए जो COP 26-25 हम देख रहे हैं हर साल कुछ एक फंक्शन होता है वहाँ पर, एक क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल टेम्परेचर और क्लाइमेट जो क्लीन एनर्जी के बारे में मुद्दा करके बात किया जा रहा है, ओके। तो क्यों किया जा रहा है, बिकॉज हम भी बचेंगे और हमारे आने वाले जो पीढ़ी है, जो आने वाले जनरेशन है,
ओके, आने वाला जनरेशन है वो भी बचेंगे, वो भी बचेंगे, वो भी बचेंगे। एवरी फिफ्थ पर्सन ऑन दिस प्लानट इज़ इन इंडिया। देखिए एक पंच जो फिफ्थ पर्सन है वो एक इंडियन है। विदाउट इंडियंस यू कैनॉट सॉल्व एनी मेजर प्रॉब्लम ऑफ द वर्ल्ड एंड क्लाइमेट चेंज इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम। तो आज के दिन में क्लाइमेट चेंज सबसे बड़ा मुद्दा हो चुका है, क्योंकि जितना ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा उतना ज़्यादा पर्यावरण का खतरा है। इसीलिए वर्ल्ड लीडर्स हर साल मीट कर रहे हैं जैसे कि पर्यावरण को सेव किया जाए, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम किया जाए और धरती को सेव किया जाए। ओके, धरती को सेव किया जाए। तो इसी के इशू में ये जो वाक्य है, ये जो सेंटेंस है, ये जर्मन एम्बेसडर ने कहे हैं कि इसीलिए हम इंडिया के साथ में हैं, जो जैसे कि उसको क्लीन एनर्जी और क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट में काम कर सकता है। ओके, फाइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज। तो इतनी बड़ी रकम दे रहा है इंडियन गवर्नमेंट को, ठीक है, तो उसके लिए लेकिन एक करंट अफेयर्स पे बड़े इशू हो जाता है कि इसको हम आपके सामने पेश करें। नेशनल कमेमोरेटिव कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑन नवंबर 26 द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल पार्टिसिपेट इन द प्रोग्राम दैट विल ऑर्गेनाइज इन पार्लियामेंट इन बिग गवर्नमेंट भवन। The itinerary stated that after the President Ramnath Kovind speaks on the day, the nation will join him in reading preamble of the Constitution of India. तो यहाँ पर जो प्रेसिडेंट साहब का जो ये इनॉग्रल स्पीच होगा उसके बाद प्रीएम्बल को पढ़ा जाएगा। ओके, प्रीएम्बल को पढ़ा जाएगा। द प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद इज सेट टू रिलीज अ डिजिटल वर्जन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बैच व्हिच कंप्राइजेस द डिजिटल वर्जन ऑफ द कैलीग्राफ्ड कॉपी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड अमेंडेड वर्जन ऑफ द लाइव डॉक्यूमेंट लॉगिंग ऑल अमेंडमेंट्स टिल डेट। तो जितने सारे अमेंडमेंट्स हुए उसके साथ और एक इशू पेश किया जाएगा, और जो ओरिजिनल वाला है उसको भी पेश किया जाएगा। एज पर द ऑफिशियल स्टेटमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट विल फर्दर इनॉग्रेट ऑनलाइन क्विज ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी टू इंक्रीज द जनरल पब्लिक अवेयरनेस इन रिलेशन टू द सुप्रीम सोर्स ऑफ लॉ। ये सुप्रीम सोर्स ऑफ लॉ मतलब कॉन्स्टिट्यूशन। दिस इंडिकेशन इज कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, तो जो आने वाले काल है वो बहुत बड़ा दिन है इंडिया के जो पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर है, और हर आदमी आम आदमी के जो ये है बहुत बड़ा एक दिन है जिस दिन कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया था, कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया था। और कल हम एक स्पेशल ये रखेंगे जो प्रीएम्बल को कल हम शुरू में ही पढ़ लेंगे एक बार। ओके, हम के प्रीएम्बल को शुरू में ही पढ़ लेंगे, और यही प्रीएम्बल पढ़ने का और एक दिन आएगा जो 26 जनवरी, उस दिन भी हम अपना प्रीएम्बल को और एक बार पढ़ेंगे। प्रीएम्बल को हम और एक बार पढ़ेंगे। दिनेश, द नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट इंडिया फर्स्ट एंड नेट जीरो एमिशन एयरपोर्ट इन जीवर गौतम बुद्ध नगर यूपी इनॉग्रेटेड बाई पीएम श्री नरेंद्र मोदी। द एयरपोर्ट विल हैव द डेडिकेटेड लैंड दैट विल बी डेवलप्ड एज ए फॉरेस्ट पार्क यूजिंग ट्रीज फ्रॉम द प्रोजेक्ट साइट विल बी एशियाज बिगेस्ट एयरपोर्ट। तो यहाँ पर दो तीन चीज है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पर हो रहा है, ये चीज़ है यहाँ पर जेवर गौतम बुद्ध नगर इनोग्रेटेड बाई प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी। ओके, द एयरपोर्ट विल हैव द डेडिकेटेड फॉरेस्ट डेडिकेटेड लैंड दैट विल बी डेवलप्ड द फॉरेस्ट पार्क, ये चीज़ ठीक है। एशियाज बिगेस्ट एयरपोर्ट और नेट जीरो, ये मत भूलिएगा, इंडिया फर्स्ट नेट जीरो। दोस्तों नेट जीरो और एमिशन मतलब कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगा ही नहीं, नेट जीरो मतलब छोड़ेगा ही नहीं। ओके, आगे क्या बोलता है, बिंग डेवलप्ड बाय यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड अंडर द पीपीपी मॉडल इन क्लोज पार्टनरशिप विद सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट। तो सेंटर उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट प्लस यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड, ये तीनों मिलके बना रहा है इसको। ये भी एक पॉइंट हो जाता है, जैसे आईएएस में ये सारे चीज़ को 1.2.3 ऐसे करके दे के बोलेगा कि विच आर रिलेवेंट टू दिस इंटरनेशनल एयरपोर्ट एट नोएडा। ओके, तो ये सारे चीज़ हमने कवर कर दिया है, आप एक बार डिस्कस करते हैं। जैसे कि मैं फिर से बता दूं, स्कूल कॉलेज में करीब 40-45 मिनट्स का जो क्लास होता है नॉर्मली, वहाँ पर डिस्कशन करते सर प्रोफेसर असिस्टेंट टीचर वगैरह वगैरह। ओके,
हमारे जो टीचिंग एकेडमी से जुड़े हुए हैं, इवन जो प्राइवेट ट्यूशन है वहाँ पर देखिएगा एक एक चैप्टर को डिस्कस करते हैं कभी करीब करीब एक दो घंटे। तो एमसीक्यू पढ़ना और डिस्कशन करने करके पढ़ना, थोड़ा सा रीडिंग करके पढ़ना, अपने जो स्टोरी की तरह पढ़ना, ये आपको ज़्यादा टाइम याद करने के लिए देते हैं, ज़्यादा टाइम आप इसको याद रख सकता है। ओके, आप ज़्यादा टाइम इसको याद रख सकता है। मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना, फ्री ट्रैवल टू अयोध्या फॉर सीनियर सिटीजन बाय दिल्ली गवर्नमेंट। आवर फर्स्ट ट्रेन फॉर अयोध्या विल बी लीविंग ऑन 3rd December। 1000 पीपल विल बी लीविंग, हैविंग ऑप्शन ऑफ विजिटिंग 12 प्लेसेस अंडर दिस स्कीम। दे हैव बीन अलाउड टू टेक वन अटेंडेंट विद देमसेल्फ। द स्कीम हैज़ बेनिफिटेड अराउंड 36,000 पीपल टिल। तो ये मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से जो बुजुर्ग हैं उनके लिए, जो 3rd December है वो एक ट्रेन और छूटने वाली है, 1000 लोगों की होगा। 12 प्लेस के लिए तीर्थ यात्रा योजना बुक किया गया है। ओके, दे हैव बीन अलाउड टू टेक, जैसे बुजुर्ग हैं तो उनको तो एक अटेंडेंट चाहिए होगा। ओके, जैसे बुजुर्ग हैं तो उनको एक अटेंडेंट चाहिए ही होगा, चाहिए ही होगा। और अभी तक 36,000 पीपल ने इसकी सुविधा ले चुके हैं, इसकी सुविधा ले चुके हैं। तो बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव बाई केजरीवाल गवर्नमेंट एंड दी दिल्ली एंड सेंट्रल NCR की नेशनल कैपिटल रीजन। आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट असेंबली विटनेस ए पॉजिटिव बिल प्रोहिबिटिंग प्रोहिबिटिंग सेल ऑफ मूवी टिकट्स एट काउंटर, मेकिंग इट्स मैंडेटरी फॉर सिनेमा हॉल्स टू सेल देयर टिकट्स थ्रू गवर्नमेंट रन ऑनलाइन पोर्टल। द फर्स्ट स्टेट द कंट्री टू टेक ओवर सेल्स मूवी टिकट्स टू मिनिमाइज टैक्स एवेशन। तो फर्स्ट स्टेज जो ऐसा कदम लिया है जिसको टैक्स एवेशन के लिए बहुत कम चांसेस मिलेंगे, बिकॉज ऑनलाइन टिकट सेल होगा तो सब पैसा कहाँ होगा, काउंट होगा, सारे टिकट काउंट्स होंगे, और सारे टिकट काउंट्स होंगे तो सारे टिकट का जो टैक्स है, गवर्नमेंट का जो टैक्स बनता है वो गवर्नमेंट के भंडार में अकाउंट में घुसेगा। ओके, गवर्नमेंट के ये इसके अंदर में जाएगा, क्योंकि अच्छा इनिशिएटिव है। अनदर इनिशिएटिव बाय वन ऑफ स्टेट्स फॉर अर्निंग्स फॉर द गवर्नमेंट, फॉर अर्निंग फॉर द गवर्नमेंट। मद्रास एससी क्वेश्चंस तमिलनाडु गवर्नमेंट डिसीशन टू कन्वर्ट जयललिता हाउस इनटू मेमोरियल। एडप्पडी की पलाना तमिल गवर्नमेंट हैड अर्लियर अनाउंस्ड दैट द रेसिडेंस ऑफ जयललिता विल बी कन्वर्टेड इनटू मेमोरियल एंड थ्रोन ओपन टू पब्लिक इन रिमेम्बरेंस ऑफ अमास असेसमेंट। तो इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद उनके जो ये है वरिष्ठ हैं, ठीक है, उनके जो डिसेंडेंट्स हैं, उनके जो लीगल हेयर्स हैं, इन्होंने किस किया है, तो केस करने के बाद मद्रास हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि नहीं, ये इसको ऐसा नहीं होगा, इनके जो वरिष्ठ है इनको दिया जाए, शायद कितना 2-3 महीने दिया है कि इसको हैंड ओवर कर दिया जाए लीगल हेयर्स को। तो अच्छा इनिशिएटिव है, जैसे पेरेंटल एसेट्स है, सो नोबडी विल गोइंग टू स्पेयर फॉर दिस टाइप ऑफ ये। The Cabinet Committee on Economic Affairs CCEA chaired by Sri Narendra Modi, the Prime Minister Sri Narendra Modi today gave its approval for constitution of the umbrella scheme Atmosphere and Climate Resource Developing Observation System and Services across, along with 8 sub schemes to the next financial cycle of 5 years. This is 2021 to 2026, that is 2021 to 2026, पाँच साल के जो वर्ष होते हैं हमारे, ये फाइनेंस कमीशन के द्वारा रिव्यू और फाइनेंस अलॉट करने के लिए। ओके, तो ये है आपका आर्ट स्कीम की बात कर रहे हैं, और इसमें जो ये जो इंस्टीट्यूशंस है, ये इंस्टीट्यूशन सारे इसमें काम करेंगे। ओके, सारे इसमें काम करेंगे। तो ये क्या क्या है, कमीशनिंग और पोलारीमेट्रिक डॉपलर वेदर रडार्स DWRs एंड IMD, ये IMD करेंगे, अपग्रेडेशन ऑफ फोकस्ड ऑफ सिस्टम IMD करेंगे, वेदर क्लाइमेट सर्विसेज IMD करेंगे। ये सारे काम, मैक्सिमम काम IMD को, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट इसको बोलते हैं, और न्यूमेरिक मॉडलिंग एंड वेदर एंड क्लाइमेट
NCMRWF, Monsoon Mission 3, IITM and NCRMW, and InQuest IMD, Monsoon Convention, Clouds and Climate and others, MC4, that is also one of the institution as IMD, Higher Performance and Computing System of ISPCS, IITM and NCMRWF. अच्छा अदर्स इवेंट से अदर इवेंट्स के अंदर ऐसा है जीएम फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स द फ्लैगशिप नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल आर्म्स ऑफ जीएम फाइनेंशियल ग्रुप्स अनाउंस द लॉन्च ऑफ bondscuts.com डिजिटल एप्लीकेशन दैट वुड एनेबल रिटेल इन्वेस्टर टू ट्रेड एंड इन्वेस्ट इन द फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज इंक्लूडिंग कॉर्पोरेट बॉन्ड्स ए फैसिलिटी सिमिलर टू द RBI's रिटेल डायरेक्ट प्लेटफॉर्म। तो एक अच्छा इनिशिएटिव है जहाँ पर एक फिक्स इनकम रहेगा इन्वेस्टर्स के लिए, वहाँ पर क्या क्या हो सकता है ट्रेड और इन्वेस्टमेंट। ट्रेड बोलेगा तो और एक एक टाइम खरीदा और एक टाइम बेचा ऐसा होगा, इन्वेस्टमेंट मतलब एक लॉन्ग टाइम के लिए 5 साल या 10 साल के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहा है होंगे ऐसा होगा। और ट्रेड मतलब आज खरीदा कल बेचा, या तो आज खरीदा आज ही बेचा, ओके आज खरीदा तो परसों बेचा, ऐसे ऐसे करके इसको ट्रेड कहेंगे। लेकिन इन्वेस्टमेंट कहेंगे कि कुछ ड्यूरेशन के लिए इसको पैसे को एक जगह पर स्थिर रखा है। तो यह है जीएम फाइनेंशियल जो फ्लैगशिप प्रोग्राम चालू किया है bondscuts.com, जहाँ पर एक फिक्स्ड इनकम चालू रहेगा मैनुस्क्रिप्ट को रिटन बाय अल्बर्ट आइंस्टाइन एंड मिचेले बिसो बिटवीन जून 1930 एंड अर्ली 1914 वाज अ क्रूशियल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ जनरल थियोरी ऑफ रिलेटिविटी वन हिज थियोरी ऑफ रिलेटिविटी वाज ऑप्शन फॉर 11.7 million euros और अबाउट $13 million। तो आइंस्टाइन साहब का जो लिखे हुए जो थ्योरी थे जो जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी उसको कितने रुपए में एक्सटेंड किया गया है करीब 13 मिलियन डॉलर। ओके और उनके साथ थे मिचेले बिसो। तो ये हमें मतलब ये जो नाम है ये शायद हमें पता नहीं है, मतलब मैक्सिमम जो हम पढ़ रहे हैं तो इवन मुझे भी नहीं पता था कि इनके साथ और एक कोऑथर थे। तो ये दोनों बैठ के ये बुक लिखा है, तो बैठने से बिसो इसका कनेक्शन ऐसा बना सकते हैं आप बैठने से बिसो, और ऐसा भी बना सकते हैं ये के बाद भी आता है ओके अल्बर्ट आइंस्टाइन और बिसो ये भी दो भाई। तो इसके साथ मैचेले तो रहेगा बिसो भी रहेगा, तो ये भी याद करोगे तो आपका काम हो जाएगा कि ये के साथ बीवी है तो बिसो है, ये बी से बिसो मतलब दोनों बैठ के लिखा है, ऐसे करके आप याद कर सकते हो। दीतिया हैज रिलीज्ड डिस्कशन पेपर टाइटल डिजिटल बैंक ए प्रपोजल फॉर लाइसेंसिंग एंड रेगुलेटरी रिफॉर्म फॉर इंडिया सीकिंग कमेंट्स टिल December 31st, 2020 एंड मेंशनिंग that eBay recorded over 4.2 billion transactions over ₹7.7 trillion in just October 2021। तो October 2021 में कितने ट्रांजेक्शन हुए, इतने ट्रांजेक्शन हुए हैं और इतने पैसे का ट्रांजेक्शन हुआ है। अगर एक महीने में इतना रकम के ट्रांजेक्शन हुए तो डिजिटल बैंक में ये नीति आयोग ज़्यादा फोकस करेंगे, तो इसीलिए कमेंट्स पूछा है इसके ऊपर कि डिजिटल बैंक को कैसे और ज़्यादा स्ट्रॉन्गर किया जाए। ओके चलो ये अच्छा एक इनिशिएटिव है और शायद आरबीआई इसके साथ और जुड़ेगा तो और ज़्यादा हमारे ऊपर फायदा होगा बिकॉज फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड रेगुलेशन ऑल कंट्रोल बाय आरबीआई। दिल्ली एनवायरमेंट मिनिस्टर गोपाल राय अनाउंस्ड दैट The school colleges and educational institution in the national capital will reopen from November 29 as Delhi's air quality shows improvement.
एज डेली एयर क्वालिटी शोज इम्प्रूवमेंट। तो दिवाली के बाद से हमने देखा है काफ़ी मतलब महंगा पड़ गया दिल्ली लोगों को, कि वहाँ पर एयर क्वालिटी बहुत ज़्यादा डाउन होने जा रहे थे। तो इसीलिए क्या हुआ कि स्कूल कॉलेज और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के बंद हो चुके थे। तो अभी जैसे थोड़ा एयर क्वालिटी ठीक होने लग रहा है, तो दिल्ली का जो स्कूल्स कॉलेज है वो खुलने लगेंगे अगले 29 तारीख से। इंडियन ओपनिंग के बैट्समैन केएल राहुल, बेटर के बैट्समैन बेटर भी बोलते हैं, केएल राहुल इज गेन इज स्पॉट आफ्टर न्यूजीलैंड सीरीज टू सिक्योर फिफ्थ स्पॉट इन द लेटेस्ट T20 नेशनल रैंकिंग फॉर बैटर्स बैट्समैन। तो ये हमारे ओपनर है केएल राहुल साहब, ओके। तो ये फिफ्थ स्पॉट में है। तो दोस्तों आज का डिस्कशन यहाँ तक ही रहेगा। तो मुझे एक बात और आपको याद दिलाना है कि सचिन सार वाला जो वीडियो है, पीटी उषा मैम के जो वीडियो है, टाइम बैंक में जो वीडियो बनाया गया है टाइम बैंक का, ओके, चार नंबर पे आईपीएस डीएसपी वीडियो, ये जो चार वीडियो है बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही सीरियस है। इफ़ यू आर थिंकिंग सीरियसली अबाउट योर करियर, ओके, दिस विल मोटिवेट लाइक एनीथिंग, दिस विल गिव यू मच मोर फ्यूल एंड पेट्रोल टू प्रिपेयर वेल टिल यू गेट योर डेस्टिनेशन, मतलब ड्रीम जॉब, ओके। इट विल हेल्प यू मच मोर वे, इट विल गिव यू पेट्रोल डीजल वॉट एवर यू कैन से, ओके, एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी, एंड विल पुश यू मोर फॉरवर्ड सो दैट यू आर मच क्लोजर टू योर ड्रीम्स एंड वन डे यू विल बी अचीविंग योर ड्रीम्स। सो मतलब एनर्जी की कोई कमी नहीं रहेगा आपके लाइफ में टिल आप अपना जो डेस्टिनेशन है उसको पकड़ ले, टिल अपना डेस्टिनेशन को पकड़ ले। सो होपफुली इट विल हेल्प। और ये तो मोटिवेशन वाला वीडियो बात ही रहा, और करंट अफेयर्स तो हम दे ही रहे, उसके साथ और एक चीज़ बता दीजिए, कंपाउंड इंटरेस्ट CISI, ओके, क्यूब रूट, ओके, और हेड्स एंड लेग्स काउंटिंग, और एक है हेड्स एंड लेग्स काउंटिंग फॉर एनिमल्स, यह पर देखिएगा CI को हम बहुत ज़्यादा टफ मानते हैं, ओके, SI तो थोड़ा इजी है, क्यूब भी थोड़ा ज़्यादा ही टफ मानते हैं। ये जो है कि क्यूब से अगर SI से लेके आपके हेड्स एंड लेग्स काउंटिंग तक, ये हमने ऐसे बनाया है कि बिजनेसमैन की तरह कैलकुलेशन किया है, वहाँ पर पेन पेपर की जरूरत ही नहीं है, मतलब 80-90% केसेस में आपका पेन पेपर की जरूरत नहीं है, उधर पेन पेपर ब्रेन कैलकुलेटर और माउथ कैलकुलेटर, ओके, उसके हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर ब्रेन से कैलकुलेट करेंगे बिजनेसमैन की तरह, तो आपके गलत होने का चांसेस बहुत कम है, ओके। इफ़ यू आर कैलकुलेटिंग लाइक ए बिजनेसमैन, देन यू आर गोइंग टू बी श्योर, लिटिल श्योर, 99.99% दैट यू आर नॉट गोइंग टू मिस्टेक इन योर कैलकुलेशन, ओके। तो आप बिजनेसमैन की तरह हिसाब करने सके और अपना जो करियर उसमें और ज़्यादा एडवांस पे स्टेज में जाए, और डेली करंट अफेयर्स पे तो रहते हैं। और अभी हम अंतिम में पहुँच चुका है, आई कैन डू इट, आई डू इट, और ये आप ये मंत्र जो है, ये मंत्र आप अपने ऊपर विश्वास जगाने के लिए, या आपके अंतरात्मा जो उसको जगाने के लिए, येस यू कैन डू इट, यू विल बी एबल टू डू इट, बिकॉज इतना दिन हमने सुन के आया कि मेरे से नहीं होगा, तेरे से नहीं होगा, तू नहीं कर पाएगा, बिकॉज वो नहीं कर पाया, एक्स नहीं कर पाया, जेड नहीं कर पाया, वाई नहीं कर पाया, ए नहीं कर पाए, बी नहीं कर पाए, सी नहीं कर पाई, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़। तो उस नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए ये बहुत बड़ा एक दवा है। और जो ISIPS का वीडियो का जो सेकेंड पार्ट है, वो इतना आपको खुश कर देगा, वो वीडियो आपको खुश कर देगा। इफ यू आर रियली सीरियस अबाउट योर कैरियर, इफ यू आर रियली
serious about your career. If you're really serious about your career, so it is going to change your whole attitude and whole directions. It will give you a U-turn direction. Okay. It will take you a U-turn direction. I'm sure. If you're really serious about your career. Okay. और उसके साथ हमें कहेंगे आप डेडिकेशन कंसेंट्रेशन और पेशेंस को रखिए और पीटीषा और सचिन सर के जो वीडियो है उसमें देखिए. ओके आप तकलीफ करना सीखिए. मेक योर ब्लड टू स्वेट. आप अपने पसीना बहाइए. ओके पसीना बहाएं और प्रिपरेशन करें. प्रैक्टिस लाइक ए डेविल. ओके प्रैक्टिस लाइक ए डेविल. और यहाँ पर मैं और एक बात बताना चाहूँगा कि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट. प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट. ओके प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट. तो प्रैक्टिस करेंगे तो आप परफेक्ट होंगे. परफेक्ट होंगे तो आप फिट होंगे. फिट होंगे तो आप सर्वाइव करेंगे. दैट इज़ अनदर फैक्टर जो डार्विन साहब ने कहा है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट. कंपटीशन आपको पता है और मैं बोलूँगा नहीं, इसलिए आपको मैं बोलूँगा कि आप प्रैक्टिस करें और इतना प्रैक्टिस करें कि आप फिट हो जाए और आप सर्वाइव करें. आगे इसके बारे में आपको मैं डेली बोलता हूँ, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या करना चाहेंगे. बट हमारे साथ हमारे परिवार में जुड़ेंगे तो आपको फ़ायदा ही फ़ायदा होगा. आपको फ़ायदा ही फ़ायदा होगा. ओके बिकॉज ऐसे ऐसे मोटिवेशन के वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेंगे. आप खुश हो जाएंगे इस मोटिवेशन वाला वीडियो देखेंगे. चलिए दोस्तों थैंक यू वेरी मच. थैंक्स फॉर वॉचिंग. अगले वीडियो मिलेंगे. जय हिंद. वंदे मातरम. जय भारत.